सलाम अलैकुम। जैसा कि डिस्कशन में जो नतीजा निकला, पहला तो ये है कि हमें यूथ आइकन बनाना है। ज़रूरी नहीं कि मीन्स क्या कहते हैं इल्म के ही फील्ड में बनाया जाए। हमारे कौम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, और हम ऐसे लोग की बात मानते भी हैं। आप देखते हैं कोई विराट को फॉलो कर रहा है, कोई सचिन को फॉलो कर रहा है, तो अगर हमारी कौम से कोई बंदा ऐसे पोजीशन में पहुंचता है, आज पहुंचेगा और अपनी कौम का बंदा है वो उसको फॉलो करेगा, अगर वो इस्लामिक वैल्यूज़ के साथ उस खेल को अंजाम दे रहा है, यकीनन बहुत असर पड़ेगा। हम ईरान के जो प्लेयर्स हैं देखते हैं, वो हिजाब में खेल रहे हैं, वो वैल्यूज़ के साथ खेल रहे हैं, हम बहुत इम्प्रेस होते हैं। यकीनन अगर हम ऐसे लोगों को फाइनेंस करें, सपोर्ट करें, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है लेकिन नतीजा बहुत बेहतर रहेगा। दूसरा, हमारा ख़ुद का अपना एक पब्लिकेशन होना चाहिए जो सस्ते दामों में लिटरेचर अवेलेबल कराए। जैसा कि आगा ने बोला कि हम इंकलाब के बारे में नहीं जानते, ईरान के बारे में कितने लोग जानते हैं, लेकिन हम नहीं जानते हैं, तो कम से कम शब्दों में हम उनको किताब की शक्ल में कौम के सामने पेश कर सकते हैं। लेकिन लिटरेचर बहुत महंगा हो गया, यानी किताब कागज़ बहुत महंगा हो गया, अभी रिसेंट न्यूज़ है, लेकिन हम उसको फाइनेंस करके दे सकते हैं। तीसरा क्या कहते हैं जो है सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस के बिना कोई रिवॉल्यूशन आती ही नहीं है। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि हमारे कस्बे गांव में बहुत ऐसे लोग हैं जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करके किसी ओहदे पे किसी पोस्ट पर हैं, उनको अपनी महफिल में या शब जुम्मा में बुला के उनकी जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर किया जाए कि हमने कैसे इस मुकाम को हासिल किया, कितनी गुरबत को देखा, कैसे क्या किया। यकीनन उसका असर पड़ेगा, और साथ में इस्लामिक वैल्यूज़ को भी बताया जाए। थैंक यू।